हेलो फ्रेंड एवरीवन, गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जीएस पॉइंट का जो है थर्ड वीडियो लाया हूं, जो कि ये वीडियो है दूसरी वीडियो हमारे चैनल पर हो चुकी है जीएस पॉइंट का। अब मैं आपको प्राचीन इतिहास के पहला वीडियो हम डाल चुके हैं ऑलरेडी, इसके दूसरा वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो आपको दे रहे हैं। कृपया करके आप सावधानी से सुने, ये वीडियो परीक्षा चाहे आईएएस हो या पीसीएस हो या पीसीएसजे के लिए स्पेसिफिक है। ये मात्र से वो बहुत ध्यान से सुने, और ये बार बार हमने देखा है पेपर में पूछे जाते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक होकर इसे वीडियो को देखें। मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन की जो घंटी है उसे आप प्रेस कर दें। जब मैं कोई वीडियो लोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और आप हो सके तो मेरी वीडियो शेयर भी करें। चलिए शुरू करता हूँ मैं। अब ये गायत्री मंत्र की रचना की थी, गायत्री मंत्र की रचना की थी, आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, आप भी देखते जाइए पढ़ते जाइए। गायत्री मंत्र की रचना की थी शिव विश्वामित्र ने। सर्ग प्रतिसर्ग वंश भावंतर और वंशाचरित संकेत कहाँ है? पुराणों के, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में लिखी गई है, जो श्रीमद् भागवत गीता है मौलिक रूप में लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हो तो जिस सर्प ने रस्सी के रूप में समय को प्रस्तुत किया गया है वासुकी ने। अछूत की अवधारणा को स्पर्श से उद्धृत होती है धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते का शब्द लिया गया है, जब आप क्या नाम है सत्यमेव जयते देखते हैं, और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यम काम जबाल की कथा, सत्य काम जबाल की कथा जो अनिवाही माँ होने की लाचन को चुनौती देते उल्लिखित है छागंदो उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मी लिपि ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्रह्मी लिपि। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से है, वैदिक में कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता से संबंधित ईरान से है। वैदिक काल में अघन्य माना गया, अघन्य माना गया गाय को। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग कुलवंश कोष तथा गोत्र शब्द को से वो शब्द जो शेष तीन वर्ग नहीं है वो कोष हैं। संस्कारों की संख्या है 16 है। जीवन को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने की वाला अध्यापक कहलाता है अध्याय 16। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन लगभग बनते ही बनता है बौद्ध धर्म के बारे में, तो इसे हम बहुत ही स्पेसिफिक होकर पढ़ें। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये नेपाल में एक लुम्बिनी इलाका है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। बुद्ध के जीवन में वो घटना जो महाभिनिष्क्रमण के रूप में किया जाता था, उन्होंने उनका गृह त्याग कर दिया था। गौतम बुद्ध की माँ से संबंधित है, कोलिया वंश से है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। बसर अस्थम अभिलेख, निगाली सागर अस्थम अभिलेख, रामपुरवा अस्थम अभिलेख तथा रूमिनी देही अस्थम अभिलेख से वो अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था रूमिनी देही अस्थम अभिलेख से। अशोक कनिष्क हर्ष तथा धर्मपाल सब राजा हुआ करते थे। अशोक कनिष्क हर्ष तथा धर्मपाल में से वो जिसके एक अभिलेख सूचना मिलती है कि शक्य मुनि
बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था मौर्य शासक अशोक से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनगर से। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। आवंती गंधार कौशल यो मगध राज्यों में से जिनका संबंध यु बुद्ध से जीवन से था वो कौशल यो मगध से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा बिताई थी वैशाली में। बुद्ध मत में भी निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तिस्रा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम थे बुद्ध के गुरु जो संख्या दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पता उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था शरणार्थ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं शरावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राजकाल में। बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे किसके राजकाल में? उदयन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बुद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपड़ी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क शासन काल में जो चतुर्थ बुद्ध संगीत का आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई है कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बुद्ध संगीत का आयोजन स्थल सही क्रम, तो पहला जो बुद्ध संगीत हुआ राजगृह में हुआ था, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटिलपेट पाटलिपुत्र कुंडल वन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र यू कुंडल वन। द्वितीय बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बुद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बुद्ध सभा का आयोजन किया गया काराशोक ने। बुद्ध के जीवन में चार महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंधित स्थलों का सम्मिलन इस प्रकार है। घटना जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? उनको बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? उन्होंने सारनाथ में दिए थे। निधन कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम वचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वो घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ प्रथम उपदेश में अर्थ और चिन्ह। जन्म है कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोध बौद्ध वृक्ष त्याग घोड़ा। कर्मापा तामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग के हैं वो कंगयुप्पा थे। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन, उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में होता। कपिलवस्त नेपाल का एक जिला है, लुम्बिनी वो जहाँ सिचुएटेड है वहाँ लुम्बिनी है। उन्होंने बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। उन्होंने बौद्ध ज्ञान में प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बुद्ध गया महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। बुद्ध गया में बौद्ध वृक्ष को नष्ट कर दिया गया शासक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजनता नदी पर स्थित है बौद्ध गया में। बुद्ध का उपदेश से संबंधित आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ के प्रमुख होना चाहता था देवदत्त ने। गौतम बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया गया था, किसी को भी नहीं। जो है गौतम बुद्ध अपने मृत्यु के उपरांत बुद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया गया, किसी को भी नहीं। अष्टंगा मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु पर। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। वे निर्वाण प्राप्ति विश्वास करते थे। ठीक। बुद्ध संघ में बिच्छुड़ू के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध कर दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह।
त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित था बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें जब संघ जीवन के नियत प्राप्त होते हैं, विनय पिटक बौद्ध धर्म साहित्य जिसमें महासभा बौद्ध नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित करता है सूत पिटक से। बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध को दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है अभिघम पिटक। अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार स्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांत स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। क्या कहता है? विश्व के सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांत स्तूप कहाँ है? तो ये वो कहाँ है? ये बिहार में है, राजगीर बिहार में है। और बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित की गई? बौद्ध के जो है 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में निर्मित की गई है वो जापानियों द्वारा निर्मित की गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ सांची बौद्ध गया यूं कुशीनगर में से स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं था वो था सांची। संसार अस्थिर व क्षणिक व बौद्ध जैन गीत यूं देव वेदांत में से जिसमें संबंध है वो बौद्ध से है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है तो एशिया ऑफ लाइट गौतम बुद्ध को। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग पर प्राप्त हुआ था कनिष्क ही युग में देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो बुद्ध की गई थी। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो बुद्ध की गई थी। देश में जिस धर्म में लोगों को मूर्ति पूजा का नींव रखी थी वो बौद्ध धर्म। गंधार शैली मूर्त कला बुद्ध के सारनाथ में हुए। प्रथम धर्मोपदेश समृद्ध प्रवचना मुद्रा का नाम था धर्मचक्र। बौद्ध के खाड़ी की प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई दी गई है जिसे भूमस्पर्श मुद्रा कहलाई जाती। भूमस्पर्श मुद्रा कहा जाता यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमस्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से संबंधित गुप्त काल से कथन है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। सही है। और है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ये दोनों सही है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है। सांची अशोक का सिंह का स्तंभ है। शिष्य नालंदा बुद्ध अधिगम महान पीठ है। महायान बुद्ध धर्म बुद्धिस्त अवलोकनवाद का जिसे अन्य नाम से जाना जाता है पदामढ़ी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य बोधिस्तो अपने प्रबोध मार्ग बढ़ाता हुआ करुमय है। बोधिस्तो समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग से चलने में सहायता करने के लिए स्वयं निर्माण प्राप्त विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम यूं सर्वधि विकसित शैलकृत चैत्र ग्रह स्थित कहते हैं कार्लो को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बुद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था नागार्जुन को शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। नागार्जुन जिस बुद्ध संप्रदाय के थे वो माध्यमिक थे। एक मिनट विक्रमशिला वाराणसी गिरनार जो उज्जैन से बुद्ध शिक्षा मंदिर केंद्र है। विक्रमशिला वाराणसी गिरनार जो उज्जैन से बुद्ध शिक्षा मंदिर शिक्षा का केंद्र है। विक्रमशिला बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में। वल्लभी जो है विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे।
नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन ए, 12वीं शताब्दी का अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, महावीर राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। यार दोनों सही है। नव नालंदा महाविहार विख्यात थे पाली अनुसंधान संस्था के लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को सम्मान के रूप में विद्यमान था, वेद प्रमाण के प्रति अनस्था, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, बौद्ध धर्म चार अर्थ सत्य के सही क्रम है, दुख है, दुख के कारण है, दुख का निरोध है। जब महात्मा बुद्ध जब क्या नाम है अपने राजपाट से जब बाहर निकलते हैं तो यही चीज़ पाते हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ये महात्मा बुद्ध के जीवन में सबसे अहम मोड़ यहीं से आया कि उनको महात्मा बना दिया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कर्म तथा पूर्वजन्म के सिद्धांत में। कथन ये है, पूर्वजन्म नहीं होता है। कथन, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये गलत था किंतु आर सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन, उसने वर्ण जात को अस्वीकार नहीं किया है, उसने ब्राह्मण उसने वर्ण जात को अस्वीकार नहीं किया उसने ब्राह्मण वर्ग सर्वोच्च सामाजिक कोटि चुनौती दी, उसने कुछ के शिल्पी निम माना। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण सम्मिलित थे, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्ययुग के समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण शुरू हुआ था उसे उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे, विष्णु धर्म का हिस्सा बन गया। कुछ शैलकृत बुद्ध गुफाओं को चित कहते थे जबकि अन्य के बिहार दोनों में अंतर थे, चेत पूजा स्थल जबकि बौद्ध बिहार बिच्छो संगीत का निवास है। वो बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली था वज्रयान था। अब आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, जैन धर्म के पार्श्वनाथ थे, मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडा ग्राम से। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावपुरी से। तीर्थकार शब्द से संबंधित जैन से, जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम में महावीर चंद्र प्रभा नाथ मुनि नेमी तथा संभव के वो जिसने जैन तीर्थकार नहीं थे नाथ मुनि प्रभा सागिरी जिनका तीर्थस्थल है वो जैन है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द केवल है। तीर्थतन सिद्धांत का सम्यक धारा, सम्यक चरित्र, जो सम्यक ज्ञान जिसे धर्म की महिमा है वो जैन धर्म में है। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने, स्वाद सिद्धांत का जो है जैन धर्म ने दिया था। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का रचना पालन पोषण है सार्वभौमिक विधान से हुआ था। अनेकतावाद में बौद्ध जैन मत सिख मत तथा वैष्णव मत में से जिसका कोड सिद्धांत की दर्शन हुआ था जैन मत में। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम धर्म में से जो विश्व के विनाशकारी पर्ले की अवधारणा विश्वास नहीं करता था जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु था अहिंसा, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म। 12 अंगा 12 उपंग 14 पूर्व 14 उपपूर्व से वो है जो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिसे भाषा में लिखे गए हैं अधमग्धी, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वो अधमग्धी है। चंपा पावा समेत शिखर का ऊर्जा वंत वो स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समय शिखर। धैर्य गाथा आचार गंग सूत्र कृतंग तथा बृहकल्प सूत्र में जो थे वो अरबी जैन साहित्य के भाग थे। थेरी गाथा जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय स्वतंबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, वो जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से स्वतंबर आगम का संपादन हुआ था पाटलिपुत्र में। सत्य कथन,
गौतम बुद्ध की माता केलिया राजवंश की राजकुमारी थी। 24वें तीर्थकार पश्चिमनाथ बनारस से थे। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सत्यकथन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोगों को स्थल भद्र को नेतृत्व कर रहे थे वह शतांबर कहलाएंगे और प्रथम शतक ईसा पूर्व जो जैन धर्म के कालिंग राज के हरवेल का थे वो समर्थन मिला। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन कर्म को विनष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार प्रत्येक वस्तु को में चाहे वो सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। कण आत्मा का विनाशक है और आशय इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण से संबंधित है जैन दर्शन से सत्य कथन। दक्षिण भारत में इच्छाचुक शासक बुद्धमत के समर्थक पूर्वी भारत में पल शासक गौतम बुद्ध समर्थक थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे मखी लुखोसाल। वो संप्रदाय जो नियत की अटलता के विश्वास करता था आजीवक बराबर के गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता आजीविका। उत्तर प्रदेश बौद्ध में जैनियों के दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है कौशाम्बी में। सही कथन भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है। होलसेल मंदिर वो शिव समर्पित है। सरोवर बेलगल्ला गौमित्रेश्वर विशाल का प्रतिमा स्थापना हुई थी चंडू मंडराय द्वारा। महान धार्मिक घटना महाविस्तन से संबंधित बाहुबली का पुत्र माना जाता प्रथम तीर्थ कार ऋषभ देव का। जैन धर्म में महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म का जो मित्र होता है अगर वो अपने मित्र लेते हैं तो संलेखना से मृत लेते हैं। जैन धर्म दिगंबर और शतांबर हैं जिसमें एक एक पंथ जो है क्या नाम है उसके ऊपर अपने ऊपर कपड़ा धारण नहीं करता है और एक पंथ है जो कि अपने वस्त्र पर जो है सफ़ेद कपड़ा धारण करता है। ये बात नोट कर लीजिएगा। शिव भागवत धर्म प्राचीन भारत में विश्वत उत्पत्त विशेष धारणों के अनुसार चार युग में चार क्रम में आए हैं कृत त्रेता द्वापर और काल। आपजीविका मयूत्मोर मतमत ये सार ईशान शिव गुरुदेव पदित में से वो हैं जो प्राचीन भारत के सुसंप्रदाय थे। मृत्युमूर अर्धनश्योर मूर्त के आग शिव तथा अध पर्वती प्रतीक हैं देव और उसके सत का योग। नए नार थे शो धर्म नुआय थे पोई गई त्रुग ज्ञान पुडमा और त्रिमुत्तम को वजह आलम थे त्रुग ज्ञान से थे। भागवत संप्रदाय का विकास सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्त ने। भागवत धर्म के प्रवक्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी का पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छागंदो उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे भागवतों ने। वो देवता जिसने कला में हल के लिए प्रदर्शित किया था बलराम ने। भागवत संप्रदाय के भक्त के रूप में संख्या 9 है। होलीडोरस का बेसागर अभिलेख है बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख 7 हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय 7 बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से है। बेसनगर अभिलेख का होलियोडोरस निवासी तक्षशिला से है। तक्षशिला पाकिस्तान कंधार इलाके में तक्षशिला। विष्णु जिस अवतार के सागर से पृथ्वी का उद्धार करते थे अंकित किया जाता था वो वराह था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व संद्रा में भारत का आस्तिक व नास्तिक संप्रदाय में विभेदीकरण लक्षण वेदों के प्रामाणिक आस्था था। मोक्ष के साधन के रूप में जन्म कर्म तथा भक्त का समान महत्व देता है भागवत गीता में। प्रस्थानांतरीय में सम्मिलित है उपनिषद ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। वो प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों के सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचक किया गया था निमिषारण्य। रामायण का वो कांड है जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है कि किष्टका
किष्टकाखंड कांड है। पूरी में रथ यात्रा निकाली है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पूरी कहाँ पर था? उड़ीसा में। नासिक के कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पे। गोदावरी जो नदी बहती है गोदावरी के तट पे बहती है। धर्म और पवित्र स्थल जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी। आज के लिए इतना ही। कल के लिए आगे प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।